हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गायत्री कुंभरकर रॉय और आज के वीडियो में मैं आपसे मलाई की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एंड इट्स नेम्ड एज मलाई राज। सो ये एमपी साइड की रेसिपी है, ये मैंने मेरे सासू माँ से सीखी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मलाई लिया है। इंग्रेडिएंट्स के लिए मलाई है, जीरा, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन। तो ये ऑप्शनल है, एक तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ले सकते हो या फिर लहसुन और जिंजर अदरक को अलग अलग काट के ले सकते हो, बट अमित को गार्लिक पसंद हो तो मैंने थोड़ा सॉटे करके लूँगी, थोड़ा सा क्रिस्पी करके लूँगी, इसलिए मैंने गार्लिक भी लिया है और थोड़ा सा धनिया एट द एंड। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल लिया है, ऑयल गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा जीरा डालने वाली हूँ। जीरा अच्छे से तड़ तड़ रहे, उसके बाद मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, फिर गार्लिक, फिर मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद मैं इसे ऐड कर रही हूँ प्याज, एक बड़ा प्याज नहीं तो फिर दो छोटे प्याज ले सकते हो आप, और इसे गोल्डन ब्राउन होने देना। तो ये मसाला में डल जाएगा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा टमाटर लिया है क्योंकि मेरे मलाई की क्वांटिटी कम है इसलिए। एक लाल मिर्च, एक स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी हाफ टेबल स्पून एंड एक अच्छा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एक दो मिनट के बाद मैं मलाई ऐड कर रही हूँ। आप इसमें ग्रीन पीस भी डाल सकते हो। आप इसमें मसाला डालने के बाद ग्रीन पीस ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद मलाई ऐड कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है ग्रीन पीस के साथ भी। मैंने वैसे ही खाया था वहाँ पर अभी घर में अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। एंड बहुत सिंपल, बहुत ईजी रेसिपी है। एंड ये मलाई तो अपने घर में होती होती मतलब बन ही जाती है, तो आप इसको हर एक दिन का स्टोर करके रख सकते हो, फिर आफ्टर 7-8 डेज के बाद अच्छा खासा क्वांटिटी मलाई स्टोर हो जाएगा, फिर उसके आप सब्जी बना सकते हो। बहुत अच्छी लगती है, बहुत यम्मी है मलाई राज। ये ठंडियों में खाई जाती है, ठंडियों में हम इसे बहुत चाव से खाते हैं सभी लोग। एंड मतलब हमारे घर में तो बच्चों से लेके बड़े सब लोग खाते हैं बहुत अच्छे से। व्हाट यू कैन स्टोर द मलाई ऑफ 5 to 6 days या 1 week का जो भी हो, तो अच्छा खासा अमाउंट का मलाई स्टोर होने के बाद आप इसे सब्जी बना सकते हो। एवरीडे फ्रीज में आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप स्टोर करके रख रहे हो तो स्टील में ही रखना, कटोरे में स्टोर करके रख सकते हो, नहीं तो फिर स्टील के डब्बे में ही स्टोर करके रखना। मेक श्योर कि प्लास्टिक अवॉइड ही करो, प्लास्टिक डब्बा, क्योंकि अलग से स्मेल आ जाता है। अरोमा सीरियसली बहुत अच्छा आ रहा है। ये मैंने भी पहली बार ही खाई थी एमपी में, मेरे तो ससुराल में, इसके पहले तो मैंने कभी नहीं खाई थी, बट ट्रस्ट में जब खाई ना, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी की लिस्ट में ये एड हो गई थी। सब्जी हो गई है, यहाँ पे मेरा गरम गरम फुलका भी हो रहा है। हम मलाई राज को एंजॉय करेंगे मस्त गर्मा गर्म फुलकों के साथ। हम इसको फुलके के साथ मस्त एंजॉय करके खाते हैं। आप चाहे तो इसको चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट देगा।